वंदोर सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। सुरातन सखियन का मुक्ते कहो ना जाए, श्री महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुँचा आए, निपट निकट पहुँचा आए, आगो आसिक ऐसे कहे। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मंच पर आसीन विद्वत वर्ग और प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकरण के माध्यम से राज्य महाराज हर सुंदर साथ को आसिक पना कैसे निभाया जाता है उस प्रसंग को बताना चाहते हैं। आगो आसिक ऐसे कहे, आसिक का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति अपने मासुक को रिझाने में अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता को लगा दे, यानी जहां पर अपनेपन का अस्तित्व समाप्त हो जाता हो, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटा देता हो। जब अपने अस्तित्व को मिटा करके उस परब्रह्म सच्चिदानंद की तरफ आगे बढ़ने वाले उस आत्मा को या उस साधक को यही संबोधन करके कह रहे हैं कि आगो आसिक जो ऐसे हुए कि किस प्रकार के संसार के अंदर आसिक हुए। अब आसिक की परिभाषा दो तरह से ली जाती कि एक आसिक वो है जो संसार के हर पदार्थ की तरफ दीवाना है, चाहे वो खाने का दीवाना हो, चाहे पहनने का दीवाना हो, चाहे किसी व्यक्ति की ओर प्रभावित होने का दीवाना हो, या फिर किसी भाषा को बोलने का दीवाना हो, किसी भी प्रकार का आशिक हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकती कि केवल एक तरफा आशिक है, पर आशिक का तात्पर्य है कि जो एक तरफा मिटने वाला, मर जाने वाला, जो सभी प्रकार से अपने आप को कुर्बान कर दे, वो आशिक है। और यहां पर जो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो माया थे उत्पन्न, कि आसिक तो हुए, लेकिन सबसे पहले राज्य महाराज ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर कैसे आसिक हुए, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में और दुनिया के आसिकों में कितना अंतर होगा, और ब्रह्म सृष्टियों के अनुसार ये आसिक किस प्रकार के हैं, जरा उनको जरा देखिए। कोट बेर मासुक पर, अब ये दुनिया के उदाहरण को लेते हुए कह रहे हैं कि कोट बेर माशुक पर, कि यदि दुनिया में कुर्बानी देनी पड़ी तो ये दुनिया के आसिक ऐसे मिलेंगे कि दुनिया को चाहने वाले इस प्रकार के मिलेंगे कि अपने आप को मरने से भी झुकेंगे नहीं, सब कुछ तबाह करके उस अपने चाहत को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उड़ाई देवे अपना तन, कि वो अपने आप को मिटा देंगे। और अपने आप को मिटाने का तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन में यही है कि यदि दुनिया के अंदर यदि एक मानवीय बुद्धि वाला व्यक्ति अपने आप को मिटाने की क्षमता रखता है, तो आध्यात्मिक जीवन भी यही कहता है कि धर्म के अंदर, भक्ति के अंदर, परमात्मा के ऊपर अपने आप को कुर्बान हर आत्म को कर देना चाहिए। इसलिए तो वाणी में एक चौपाई है, कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग, जो पीछे होते मोमिन दौड़ लिया तिन संग। दिल्ली दरबार के अंदर जब कुर्बानी का समय आया और कुर्बानी के समय में जब गोवर्धन और लालदास जी दोनों को जब कुरान को देखने के लिए कहा गया, दोनों ही गोवर्धन भाई भी अपने परिवार को साथ लेकर के निकले, लेकिन सगे संबंधियों को सब कुछ छोड़ करके निकले थे। लालदास जी भी खाली हाथ चले,
और दोनों महान हस्तियां हैं। सोचने वाला यही सवाल है कि जब अपना समय आया कुर्बानी देने का, उस समय लालदाजी अपने वादे पर अड़िग रहते हैं और वही बात गोवर्धन भाई को मृत्यु भयभीत कर देती है। गोवर्धन भाई कहने लगे कि मैं प्राणनाथ जी की पहचान छुपाने को तैयार हूं, परम धाम को दबाने को तैयार हूं, लेकिन अपने मृत्यु चाहता नहीं हूं। और वही लालदास जी कहते कि यदि गला कटे तो कट जाए, पर मैं कुरान के अंदर जो परम धाम का वर्णन है उसको बताए बिना रह नहीं सकता, और मेरे हादी को मैं अवश्य बताऊंगा। दोनों में झगड़ा तक हो जाता, बीतक का प्रसंग है। लड़ते लड़ते वो श्रीजी साहब जहां पर ठहरे वहां तक पहुंच गए, और वहां तक पहुंचने के बाद लालदास जी को कहना तो था ही था, पर गोवर्धन भाई को लगा कि मेरी भी इज्जत कम हो जाएगी, इसीलिए फिर उन्होंने पहले जाकर के बोल दिया। इसलिए कहने का तात्पर्य है, दिल्ली दरबार में जब 12 मोमिनों को कुर्बानी देनी पड़ी तो वहीं पर कई सुंदर साथ थे, लेकिन केवल 12 या 16 लोग निकल पाए जिनको कुर्बानी देने की इच्छा हुई, बाकी को इच्छा तक नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है, ये हमारी ब्रह्म सृष्टियों की रहनी है, और ब्रह्म सृष्टियों की रहनी हमारी बीतक हर सुंदर साथ को याद दिलाती है कि तुम उनके जैसे हो, और जब उनके जैसे हो तो माया के उदाहरण लेने से पहले तुम अपने उदाहरणों को समझे। यदि हमारी ही परम धाम की अंगनाएं इस परम धाम के मार्ग में चलने के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार है, यदि मरना पड़े तो मरने को तैयार है और सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि लैला मजनू इसके बराबर हो सकते हैं। तो भी लैला और मजनू का उदाहरण लिया जाता है कि लैला के लिए मजनू 7 तवे को पार कर गया, जो एकदम अग्नि से तप रहे थे, और इन 7 तवों से होता हुआ मजनू लीला के सिंहासन तक पहुंच गया, जबकि वहां बहुत सारे राजकुमार थे। उन राजकुमारों में से एक भी ऐसा राजकुमार नहीं था जो मरने को तैयार था, पर मजनू जहां पर गायें चरा रहा था उसको तो केवल भनक लगी कि तेरी लीला का हाथ पकड़ने के लिए कोई और भी राजकुमार पधारे हैं। गायें चराने वाला, भैंस चराने वाला ये मजनू दौड़ लगाता है, और 7 चद्दरें जो लोहे की बिल्कुल तप रही थी, इन लोहे की चद्दरों से होता हुआ मजनू गुजर जाता है, और मजनू को पता नहीं चलता है कि ये तवे गर्म भी थे। कहने का तात्पर्य यही है कि आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला हर व्यक्ति इन्हीं दुनिया के आशिकों को समझ करके यदि आगे बढ़ता है, ब्रह्म सृष्टि के लिए तो यही है कि ब्रह्म सृष्टि यदि अपना सर्वस्व समर्पण नहीं कर पाई तो शायद ब्रह्म सृष्टि इन दुनिया के आशिकों के बराबर भी नहीं हो पाएगी। इसलिए दुनिया के आशिक हम सुंदर साथ के आगे चलते हैं, और हमारी बीतक यदि हम उठा करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि शायद मजनू ने नहीं किया, उससे ज्यादा तो कहीं सुंदर साथ ने किया है। शायद मजनू ने उतनी मार नहीं खाई होगी जितनी मार 12 मोमिनों ने खाई होगी। शायद मुकुंददास जी जैसी मार मजनू ने भी नहीं खाई होगी, पर मुकुंददास जी ने अपनी पीठ उदड़वा दी, 12 मोमिनों ने अपनी पीठ के चमड़ी उदड़वा दी, लेकिन भूल से यह नहीं कहा कि हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को छोड़ देंगे। रात भर उनके मुखारविंद से एक ही शब्द निकलता है कि हे परब्रह्म सच्चिदानंद, हे मेरे प्राणेश्वर, हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। और यही हर सुंदर साथ के हृदय में होना चाहिए। इसलिए जीव माया के ऐसी करे क्यों देखे दृष्ट, कि यदि दुनिया के जीव ऐसी करनी कर सकते हैं, दुनिया के जीवों में इतना कुर्बानी देने का सामर्थ्य है, तो ब्रह्म सृष्टि का तो कम से कम 100 गुना होना चाहिए। वो भी उन पर यो करे तो हम तो है ब्रह्म सृष्टि, कि यदि उनका इतना सामर्थ्य है, उनकी उतनी ताकत है, तो हम अपने आप को क्यों मिटाने को तैयार नहीं। एक दाना भी जब धरती में मिलता है ना तो शायद अपने अस्तित्व को तबाह कर देता है, और जब दाना अपने अस्तित्व को तबाह करता है तो एक वृक्ष का रूप लेकर के वो बाहर निकलता है। यही ब्रह्म सृष्टि को सिखाया जाता है कि आप जिस परम धाम से आए हो, जहां से आप एक पक्का वादा करके आए हो, और इस दुनिया के अंदर ब्रह्म सृष्टि की राह पर सारी दुनिया चलने वाली है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रस खोज थके त्रैगुण। क्यों ब्रह्म सृष्टि को इतना महान करके संबोधन किया,
क्यों उनको ब्रह्म मुनि के नाम से संबोधन किया कि शायद दुनिया में आज तक ऋषि हुए उन ऋषियों में किसी को ऋषि और महर्षि की उपमा दी तो ब्रह्म ऋषि की उपमा केवल ब्रह्म मुनियों को दी। और ब्रह्म मुनियों शब्द भी शास्त्रों ने सुंदर सात को दिया। कारण क्या था? क्योंकि ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म मुनि वो कहलाते हैं जो ब्रह्म के नाम के अलावा किसी और के सामने हाथ ना फैलाते हो। अपने वाले तो ना जाने कितने लोगों के सामने हाथ फैला करके चले आते। मैं कई बार कहता हूं कि यदि मानव को दिन में 2 बार कपड़े बदलने पड़े लेकिन मानव दिन में 10 बार भगवान को बदल देता है तो परमात्मा क्या चीज है? सोचने वाली तो ये चीज है। कुर्बानी तो दूर की बात, हम हर पल में भगवान को बदलने को तैयार हो जाते हैं तो विचार कीजिए कि कुर्बानी कैसे कर पाएंगे। जब 10 भगवान बदले तो कुर्बानी 10 पर तो दे नहीं सकते, केवल 1 पर ही देंगे। पहली बात तो कुर्बानी देने वाला 10 बदल नहीं सकता और जो बदल रहा है वो कुर्बानी दे नहीं सकता क्योंकि दोनों में अंतर है। तो इसीलिए दोनों के अंतर को समझाना चाहते हैं कि जीव माया के ऐसी करे कि दुनिया के जीव यदि ऐसी करने करते हैं तो हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि वादा करके आई है कि हम आपके अलावा दुनिया में किसी को नहीं मानेंगे। और नहीं मानेंगे तो भी इस दुनिया में आने के बाद, वैसे तो राजजी महाराज ने कहा था आग पानी पत्थर पूजोगे सब कैसी है झूठे तो भी रहोगे तीन लाग, कि दुनिया में जाकर के तुम एक को नहीं अनेकों को अपना प्राणेश्वर बनाओगे। और कहीं आग तो कहीं पत्थर, कहीं तो जल, तो कहीं कुछ और, इन हर किसी को अपना इष्ट मान करके बैठोगे और सब कैसी ये झूठ है तो भी रहोगे तीन लाग, कि सारे लोग आपको वो असत्य बताएंगे, असत्य बताने के बाद भी आप उसको सत्य मान करके स्वीकार करोगे, आपका सर उन सभी जगह टिकने लगेगा। कई बार ये बात सुंदर सात से कहते तो क्या कहते हैं, क्या करें हमें तो रिश्ते निभाने होते हैं, रिश्ते निभाने में अपने आप को तबाह नहीं करना होता है। एक जय माताजी वाले से पूछिए, यदि वो आपको मिलेगा सीधा बोलेगा जय माताजी, पर अपने वालों को बोलना पड़े ना तो 10 बार सोच करके वो भी जय माताजी बोलता है। ठीक है, ये सत्य है, कटु सत्य है। यदि जय श्री राम बोलना हो तो वो सीधा बोलेगा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान, लेकिन अपने वालों को प्रणाम बोलने में, जय श्री राज बोलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्राणेश्वर को मानने को तैयार नहीं है, हम उसको जाहिर करने को तैयार नहीं, और ना जाहिर करने के कारण से हम अपने ही अस्तित्व को मिटाते जा रहे हैं। कुर्बानी करनी तो कोसों दूर की बात। वैसे कुर्बानी का एक ही मतलब होता है कि जब व्यक्ति पूरा मिल जाए उसके अंदर और परब्रह्म से जब मिल जाता है तो एक ही प्रसंग बच जाता है, नैणानी तरसेरे बालाजी ने निरखवा। यदि अपनी आंखें उस परमात्मा के दर्शन के लिए तड़प उठे तो समझ लेना कि शायद हम कुर्बानी के पद चिन्हों पर चलने लगे और शायद उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकरण की आगे वाली चौपाइयों में बहुत सुंदर शब्दों में क्या कहा, धिक धिक पड़ो तिन समझ को जो पीछे देवे पाए। यदि वो व्यक्ति वो सुंदर साथ नहीं जो कुर्बानी के नाम से पीछे हटता, और कुर्बानी आखिर देनी कहां है? आपको कहीं काशी में जाकर के सिर कटवाने की जरूरत नहीं है, भैरव पहाड़ पर जाकर के कूदने और मरने की जरूरत नहीं है। वैसे तो लोगों ने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार यदि देखें तो इस वाणी के लिए और इस ज्ञान के लिए लोगों ने कहीं डूंगरों से कूद करके अपनी जान दे दी, कहीं अपना सर कटवाया, तो कहीं गंगा और यमुना में जाकर के अपनों को तबाह कर दिया। लेकिन ये वाणी कह रही है कि ये सब करने की जरूरत नहीं, पर इतना तो कर ही सकते हो कि आंखें बंद करके बैठ तो सकते हो, 1 घंटा ध्यान तो लगा ही सकते हो, और अपने प्राणेश्वर के अलावा हर किसी को समझ करके उसको सम्मान देने की साथ साथ अपने प्राणेश्वर को सर्वस्व मान करके उसके ऊपर कुछ तो अपने आप को कुर्बान कर ही सकते हो। इसलिए वाणी की बातों के साथ साथ जब आप आरती को देखेंगे तो आरती हमारी क्या कहती, तन मन धन न्योछावर किन्हो श्री महामति चरणों लागी। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि ध्यान करने वाला कुर्बान कर सकता, हम थोड़ी करेंगे, लेकिन आरती में भी वही प्रसंग है कि तन मन धन न्योछावर किन्हो, कि कौन अपने आप को समर्पण कर सकता है,
तो वो जो ब्रह्म सृष्टि होगी। इंद्रावती की आत्म श्री महामती जी यही समझाना चाहती है कि अपने आप को कैसे कुर्बान करना है। यदि आरती भी करते करते आपके भावों में जागृति आ गई, आरती करते करते आपके दिल में भाव जागृत हो गया, तो यही आरती आपका मार्फत का स्वरूप बन जाएगा। और मार्फत का स्वरूप क्या है? यही तो है कि जब परमात्मा और आप दोनों एक हो जाओ तो वो मार्फत का स्वरूप है, यानी कि आप परमात्मा में मिल गए हो और यहां आपकी भक्ति पूरी हो जाती। इसलिए कबीर साहब क्या कहते, प्रेम गली अति सांकड़ी या में दोना समाय आत्मनोहि तर दर्शनम गुहायाम प्रविष्ठाम। कि कब हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को मिल सकते हैं? तो बोले जब हम गुहा की परम गुहा में प्रवेश करने के बाद उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त करें तो उस समय हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। दुनिया के सारे शास्त्रों को टटोलोगे तो वेद से लेकर के, दर्शनों से लेकर के, उपनिषद से लेकर के, सब कुछ केवल एक ही नारा लगाता है। और एक नारे में वेद को देखेंगे चाहे आप दर्शनों को देखेंगे, दर्शन की, योग दर्शन की अंतिम अवस्था क्या है? कैवल्य अवस्था। और कैवल्य अवस्था यही कहती है कि केवल आप परमात्मा में लीन हो जाओ और लीन होने के बाद आपके अस्तित्व को मिटा दो। और जब हम अपने अस्तित्व को मिटा देंगे तो निश्चित रूप से हमारी परिस्थिति कैसी होगी? तो कह रहे इन खसम के नाम पर कई कोट बेर वारो तन टुक टुक कर डार हूं कर मन वाचा कर मन। कि जिस दिन हमने अपने आप को उस परब्रह्म के सच्चिदानंद के चरणों में लगा दिया तो लगाने के बाद अपने आप को हम समर्पित कर देंगे। और यही है कि हम आरती उतारते हैं, सिर से लेकर के पैर तक हम नीचे और आरती ले जाते। वैसे तो कई आरती ऊपर भी नहीं ले जाते और नीचे भी नहीं ले जाते, गोल गोल ही घुमाते रहते, थोड़ा वहीं गोल गोल घुमाने की आदत होती है। लेकिन आरती का तात्पर्य क्या है? कि आरती यही है कि आप सिर से लेकर के पैर तक, नीचे अंगूठे तक ले जा रहे हो। इसका मतलब कि आप अपने आप को वादा कर रहे हो कि हे परब्रह्म, हम अपने आप को ऊपर से लेकर के नीचे तक को समर्पित कर रहे हैं। दिन में यदि एक से दो बार आरती करते हो तो आप दो बार वादा करते हो, लेकिन यदि केवल फर्ज बंदगी रही तो फर्ज बंदगी के माध्यम से क्या होगा कि फर्ज बंदगी के माध्यम से व्यक्ति फर्ज तो निभा देगा लेकिन अपने आप को उस परब्रह्म के लिए समर्पित नहीं कर पाएगा। और उसलिए ये प्रकरण हमें समझाना चाहता है कि कुर्बानी को नाम सुन क्यों ना उड़े अरवाहें। कि ऐसी ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती जो परब्रह्म के नाम से अपने आप को कुर्बान ना कर सके। एक बीतक के प्रसंग को आप सुनिए। एक प्रसंग आता है बीतक के अंदर, बराड़ परगने का एक ब्राह्मण होता है। उस ब्राह्मण को केवल श्री प्राणनाथ जी की सभा में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और उस अवसर को प्राप्त करने के बाद वो ब्राह्मण जब श्रीजी साहब का दर्शन करता है और दर्शन करने के बाद भावों में लीन हुआ है, कबीर संप्रदाय का होने के बाद उसको परब्रह्म के स्वरूप का दर्शन हुआ। परब्रह्म के स्वरूप का दर्शन होने के बाद वो ब्राह्मण केवल एक ही शब्द निकालता है, तू ही लाया तू ही ले जाने वाला है, तू ही खेल को दिखाने वाला है, तुम ही तुम हो बाकी कुछ नहीं। और वही ब्राह्मण घर जाए तो भी उसके जीवन में वही बात याद। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जब श्रीजी साहब से मुलाकात करने के लिए, दर्शन करने के लिए आया, श्रीजी साहब एक नदी के किनारे बैठे हैं, दूसरे किनारे से वो आ रहा है, पूरी नदी है, कल्पना कीजिए कि उसको पूरी नदी तक नहीं दिखी। और दौड़ लगाया, दौड़ लगाने के बाद वो सीधा नदी में गिरा। श्रीजी साहब कहते कि उस ब्राह्मण को निकालो वरना वो मर जाएगा, डूब जाएगा। और ब्राह्मण को निकालने के लिए सुंदर साथ गए और निकाल करके ले करके आए, तभी भी उसको ये होश नहीं है कि मैं नदी से निकाल करके लाया गया व्यक्ति हूं। उसके मन मस्तिष्क में एक ही रोम रोम बीच रमी रहा पीयु आशिक के अंग, इश्क ले कोई ऐसा हुआ हो गया एक ही रंग। कि जिसके रोम रोम में परब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप विराजमान हो, जिसके हर रोम के अंदर परब्रह्म का स्मरण आ रहा हो, जो हर रोम के अंदर याद कर रहा हो, उसका हर रोम परमात्मा के लिए समर्पित हो चुका हो, उसके लिए नदी और नाला क्या, और वो समुद्र क्या जिसको दुनिया में सब कुछ दिखता हो, वो दुनिया भी है
लेकिन जिस दुनिया से परे हो गया उसको दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जब कोई महान पुरुष इस दुनिया को छोड़ता है तो वो यही कहता है कि मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई। क्यों उसके लिए खत्म हो गई? क्योंकि वो दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से परे हो चुका है, संसार से परे हो चुका है। और यही एक ब्राह्मण बराड प्रज्ञ का जो ब्राह्मण है हमें याद दिलाता है कि हम उस बीतकों के प्रसंगों को याद करके कुर्बानी आखिर कैसी करनी चाहिए और कैसा हमारा अस्तित्व होना चाहिए। बहुत सुंदर शब्दों में ये वाणी कहती है, जो आशिक अरस की सो क्यों सकुचे देते जीव, कि ब्रह्म सृष्टि यदि परम धाम की होए तो निश्चित रूप से अपने आप को समर्पित करने से और कुर्बान करने से कभी पीछे हटने वाली नहीं है। करे कुर्बानी कोट बेर ऊपर अपने पियो, कि किसके ऊपर कुर्बानी करेगा? अपने प्राणेश्वर के ऊपर, अपने आत्मा के पति के ऊपर। और इसीलिए हमारा भाव और हमारा जो इस दुनिया के अंदर लगाव है, इस लगावों को हम इतना ना बढ़ा दें कि इस दुनिया के हर पदार्थ की तरफ हम अंधे हो जाए और परब्रह्म छूट जाए। इसलिए जब व्यक्ति संसार की ओर आगे बढ़ता है तो संसार की हर वस्तु उसको प्रिय लगने लगती है। आप देखिए कि दुनिया का हर व्यक्ति उसको प्रिय लगने लगेगा, लेकिन जैसे ही परमात्मा की बात कही जाती है व्यक्ति उस परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। संसार के पदार्थ प्रिय, वस्तु प्रिय, व्यक्ति प्रिय, हर वस्तु उसको प्रिय लगने लगती है, लेकिन परमात्मा कभी अपना घर का सदस्य तक नहीं लगता है। आप सोचिए, कभी दिवाली आती है तो हम हर परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। होली आई, हम परिवार वालों को याद करते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति होली के दिन पूजा पाठ भी ना करे, ध्यान भी ना करे। अरे आज तो टाइम ही नहीं, क्योंकि टाइम कैसे नहीं है, बोले इतने लोग आने वाले, इतने मेहमान आने वाले। मेहमानों को पुकारने के लिए उसके पास टाइम है, लेकिन परमात्मा को पुकारने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं। कल्पना कीजिए, हर व्यक्ति दिवाली पर अपने वस्त्र लाने को तैयार है, परमात्मा का एक वागा लाने में उसको हिचकिचाहट होती हो, वो परमात्मा को अपना घर का सदस्य कैसे मानेगा? और जो अपना घर का सदस्य नहीं मान सकता, वो उसका हृदय का मालिक कैसे बनेगा? और जब हृदय का मालिक नहीं बनेगा तो अरस तुम्हारा मेरा ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा। मोमिन दिल अरस कया, ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने हृदय को अर्श नहीं बनने दिया, हमने अपने हृदय को इस दुनिया के सारे लोभों से परिपूर्ण कर रखा। और ये लोभ जितने भी है, इस लोभ की जो इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर भरी पड़ी, और इस इच्छाओं के कारण से हमारे से परमात्मा कोसों दूर हैं। जो परमात्मा से हम मिलना भी चाहे तो भी मिल सकते नहीं है। इसलिए ये वाणी हमें पुकार करके कह रही है, जो आशिक अर्श अजीम की तीन सिर नूर समाल, कि किसके ऊपर परमात्मा की कृपा और कौन परमात्मा के लिए कुर्बान है। तो जो आशिक अर्श अजीम की, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, उस ब्रह्म सृष्टि के लिए परब्रह्म सर्वे सर्वा है। और सर्वे सर्वा जिसके लिए परब्रह्म है, उसके जीवन में यदि कोई बाधा आई तो वो बाधा भी टल जाएगी। लेकिन जब हम किसी देवों को बदल रहे, जब हम किसी भगवान को बदल रहे और परमात्मा हमारा लास्ट में आता है, और लास्ट में जब परमात्मा आएगा तो सोचिए कि हमारे जीवन में जितनी घटना घटनी है वो सब घट जाएगी। एक हिंदू संप्रदाय के, 5 मिनट का टाइम है, एक उदाहरण देता हूं। एक बार हिंदू और मुसलमान की बहस छिड़ गई, और बहस बहस में ये बात हुई कि किसका भगवान बड़ा है। मुसलमान कहने लगा कि मेरा खुदा बड़ा है, और हिंदू भाई कहने लगा कि मेरे देव बड़े हैं। और ये बड़े के चक्कर में दोनों में बहस छिड़ी, तो हिंदू भाई कहने लगा मेरे पास तो बहुत सारे भगवान हैं, आपके पास तो एक ही खुदा है, एक ही खुदा है। मुसलमान भाई कहने लगा मेरा भले एक है लेकिन हजारों पर भारी है। और ये कहने लगा क्या आपके खुदा ने कभी डूंगर उठाया? तो बोले ना ना, हमारे खुदा ने कभी डूंगर नहीं उठाया, पर डूंगर बनाया अवश्य है। तो बोले हमारे हनुमान ने डूंगर भी उठाया, हम इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो बोले शर्त लग जाए किसका बड़ा और किसका छोटा, इस छोटे बड़े के चक्कर में दोनों ने शर्त लगाई, और शर्त लगाई ऐसी कि बोले जो पहाड़ के ऊपर से चढ़ करके कूदेगा, नीचे आते आते बच गया, तो समझ लीजिए कि उसका बड़ा और बाकी का छोटा।
अब जैसे ही हिंदू को कहा गया कि आप पहले जंप लगाएंगे, हिंदू कहने लगा हमारे भगवानों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, आपका है कि आप पहले कूद जाइए। और सोची कि जैसे उसका नंबर आया तो उसके नंबर के अनुसार उसने तो एक खुदा का नाम लेना था, तो उसने कहा हे खुदा मेरी रक्षा करना, मैं आपके नाम से ही कूद रहा हूं और आपकी इज्जत जाएगी, मेरी इज्जत जाने वाली। उसने सब कुछ खुदा के नाम से छोड़ दिया, और जब खुदा के नाम से छोड़ा तो खुदा को आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। और उसको खुदा बचाते हैं। जब अपने वालों का नंबर आया तो अपने वाला सबसे पहले सोचता है कि हनुमान जी भगवान आप डूंगर को उठा सकते हैं और हमारे जैसे कीड़ी भर मानव को नहीं उठा सकते। पहले हनुमान को बुलाया पर विश्वास नहीं आया, तो फिर कहने लगा कि हनुमान से बड़े तो भगवान श्री राम है, उनको बुला लेता हूं। और जब उनको बुलाया तो उनको बुलाने के बाद फिर थोड़ा सोचा तो लगा कि हम शंकर भगवान को बुला ले जो देवों के देव महादेव हैं। फिर विश्वास नहीं आया तो ब्रह्मा जी को बुलाया, वहां भी विश्वास नहीं आया, विष्णु जी को बुलाया। जब हनुमान निकल पड़े तो राम को बुलाया, तो हनुमान सोचे जब मेरे से बड़े को बुलाया तो मैं क्यों जाऊं, ठीक है। और राम निकल पड़े तो शिव का नाम लिया, तो शिव राम ने सोचा कि मैं क्यों जाऊं, और जैसे ही शिव चलने लगे इतने में विष्णु भगवान का नाम लिया तो शिव रुक गए, और विष्णु भगवान ने सोचा कि सबसे पहले हनुमान का नाम लिया वो पहुंच गए होंगे, बोलो श्री प्राणनाथ। अब उसका क्या हुआ, आते आते राम नाम सत्य है। ये ऐसी लीला होती, 10 के चक्कर में पड़ोगे तो गंगा गए तो गंगादास, और यमुना गए तो यमुनादास, किसी के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए वाणी करी कि यदि कुर्बान होना तो एक पर हो, 10 के चक्कर में मत पड़ो। 10 के चक्कर में पड़ोगे तो खुद किसी के लायक बचेंगे नहीं। इसलिए हम सुंदर सात को ये आखिरी समय मिला, और आखिरी समय के अंदर ये वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान हर ब्रह्म सृष्टि को यही कहना चाहती कि सुहागिन नार वही है जो परब्रह्म परमात्मा के लिए अपने आप को मिटा देने वाली, जिसके रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बानी, और हर तरह से अपने आप को समर्पित करने वाली आत्मा को ही ब्रह्म सृष्टि के नाम से कहा गया, उसी को ही आसिक के नाम से कहा गया, दुनियावी आसिक नहीं, वो परमात्मा के नाम से कुर्बान होने वाली उस आत्माओं को ही आसिक करके पुकारा है। दुनिया के आसिक दुनिया के पदार्थों को चाहेंगे, दुनिया के मानव को चाहेंगे, दुनिया की वस्तु को चाहेंगे, वो घर छोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत घर के आसिक होते हैं, अरे घर छोड़ेंगे तुम्हारा घर में ऊट पटांग थी जैसे, इसलिए आधे तो घर को छोड़ करके बाहर नहीं निकलना चाहते। और जब कहा जाता ना आप आए क्यों नहीं, अरे क्या करें हमारे घर में इतना काम है कि हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, बहू नहीं संभालती, बेटा नहीं संभालता, बेचारी सास बुढ़ी हो जाती तब तक वहां से छूट पाती नहीं। इसलिए घर के आशिकपना छोड़े, ठीक है, परिवार का आशिकपना छोड़े, और परमात्मा के लिए कुछ अपना टाइम अवश्य निकाले, ये वाणी यही कहना चाहती है। और इसी वाणी के अनुसार ये प्रसंग हर सुंदर सात को परमात्मा की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे, इन खसम के नाम पर कई कोट बेरवारो तन, कई कोट बेरवारो तन, टुक टुक कर डार हूँ, टुक टुक कर डार हूँ, कर मन वाचा कर्मन, कर्मन वाचा कर्मन, बोलो श्री प्राणनाथ क्या है। प्रणाम।